आर्यखंड की विजय हुई, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, तुम्हारा कल्याण पराजित, मुझे तुम्हारी विजय का समाचार पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। मेरी नहीं, आर्यखंड की विजय का है गुरुवर, और यह केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आपने तो अपने दिव्य दृष्टि से पहले ही विजय की भविष्यवाणी कर दी। राजन, निसंदेह तुम्हारे सभी मंत्रीगण अत्यंत योग्य और श्रेष्ठ हैं, परंतु वे सभी भीषण महत्वाकांक्षाओं में लिप्त प्रतीत होते हैं, अतः तुम्हें उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन गुरुवर, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई। अर्थात भारी शत्रु का तो हमें ज्ञात होता है क्योंकि वे लगातार दरबार करते हैं, पर अंदर के शत्रु अधिक घातक स्त्रियों होते हैं क्योंकि वे छुपकर वार करते हैं, अतः मृत्यु निश्चित है। तुम्हें उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। एक राजा को कभी भी किसी पे पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। जो आज्ञा गुरुवर, आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि आर्यखंड में क्षमता अनुसार ही काम दिया जाता है। तो मृत्यु का निमित्त करे ना महाराज। महाराज इंद्र से तुम्हारा आखिरी समय आ गया, तुम्हें जिसे याद करना है उसे याद कर लो। सैनिकों छोड़िए हमें, छोड़िए अपने कार, छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए। किसने किया?
सम्मान हमारे राइटर सुदीप कमल जी के लिए, अरुण त्रिपाठी जी।